एके मिश्रा हमारे राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एके मिश्रा, ये जो हेमंत जी कह रहे थे, सवाल यही है कि इस परसेंटेज में अगर मान लीजिए जो भी प्रतिशत रहता है वोट का, आप 100% उसी को मानकर चलेंगे 5 बजे की बात? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए अक्षय जी, मैं आपको बताऊं, सुबह भी मैंने बोला था, बाई इलेक्शंस जो होते हैं इसका डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होता है। वोटिंग कितना हुई इसका परसेंटेज आपको एक इंडिकेशन देता है, आप एक गेस कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एवरेज मान लीजिए, अगर हम 55-60% वोटिंग को एवरेज मानते हैं तो कंडीशन दो बनती है कि बिलो एवरेज एंड एबव एवरेज। अगर एबव एवरेज की हम बात करें, जिसमें 70%, 75% या प्लस 80-85% जाए, तो वहां पे ये माना जाता है, ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई किसी एक खास पार्टी ने कोई मुहिम या मुद्दा शुरू किया और सारे वोटर उससे मतलब उद्वेलित हो गए, प्रभावित हो गए और वो सड़कों पे निकल के मतलब बड़ा पॉजिटिव माहौल बना। ये उस कंडीशन में होता है जैसे यूपी के इलेक्शन में हुआ था या फिर मोदी जी के टाइम पे 2014 में हुआ था, मुद्दा ही अलग था। अब हम बिलो पे चले जाए जो कि यहां पे हो रहा है। देखिए, अगर बिलो वोटिंग जो है, ये बिलो अभी तक 19% हुआ है, जबकि लगभग 30% के आसपास हो जाना चाहिए था वोटिंग, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है। जी, जी। तो ये दिखाता है कि वहां के जो वोटर है वो उदासीन है। अब उदासीन क्यों है, देखिए क्या है कि बाई इलेक्शन का ये जो मुद्दा है, ये केवल हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली, और उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्टी के आला कमान या वोटर्स जो हैं उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये रुझान है और इसीलिए योगी जी ने और मौर्य जी ने, देखिए डायरेक्टली इन्हीं से पूछा जाएगा कि भाई आपकी क्या साख है, आपने मतलब आप क्यों चुनाव जीते या क्यों हारे। तो ये तो इंडिविजुअली ये दोनों नेता इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। विपक्ष के लिए यहाँ पे क्या होता है कि उनको ये वही है कि भाई हम इतने दिनों से हारे हुए हैं, हमारे लिए एक सीट जीतना भी हमारे पूरे सिस्टम में हमारे पूरे जितने भी मतदाता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को ये बहुत ऊंचा कर देता है। तो विपक्ष के लिए ये बाई इलेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन 2019 या आगामी इलेक्शन के लिए आप इसको कोई पैरामीटर या ठीक है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, विजय उत्सव मनाने के लिए ठीक है, वो उस वक्त जब आंधी चलती है, एक मास वोटिंग पूरे देश में होती है, तो उसका डायनामिक्स और उसके उसका संतुलन सारा चीज अलग होता है। अब दूसरी चीज आते हैं, जो आपने बोला कि यहाँ पे रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनका अपना एक पॉलिटिकल परसेप्शन होता है और दो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, पॉलिटिकल इल्यूजन। अभी देखिए, जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होगी लास्ट मोमेंट तक सारे पार्टी के नेता बोलेंगे जी हम ही जीत रहे हैं, आप एक घंटे और वेट करिए, हम ही जीत रहे हैं, आप एक घंटे और वेट करिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ये लोग देखिए बोलते रहेंगे, बहुत कम वोटिंग होना, 19-20% की वोटिंग होना, बाई इलेक्शन का मतलब ये एक इंडिविजुअल इवेंट है जिसमें कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो कैंडिडेट है या जो एक दो लोग उसके हायरार्की में ऊपर है, ये उनका इंटरेस्ट होता है सर। ठीक है, ठीक है। आलोक अवस्थी जी, ये जो आकलन हमारे पत्रकार निकाल रहे हैं, वहां का मीडिया जो बात कह रहा है, जो जमीनी हकीकत जो है, उससे आप सहमत हैं? सुरेन जी, मैं तारीफ कर रहा हूँ सुरेन जी, थोड़ा सा ये मतलब बताइए। चलिए, हम मानते हैं कि भाई कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर रही है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, 4-5 ऐसे ग्राउंड लेवल के फैक्ट बताइए या लॉजिक बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आपकी पार्टी जीत जाएगी। सर, क्या लॉजिक है मिश्रा जी? यहां पर मेरी पार्टी की जीतने की बात या इनकी पार्टी के हारने की बात नहीं है, लोकतंत्र को जीतना चाहिए। जो लोकतंत्र को जिताने की बात करेगा वही इस देश पर राज करना चाहिए। आज की डेट में ये बड़ी क्लियर कट है। यहां पर हम 2014 से पहले हर 5 सालों में चुनाव जीतते थे, पब्लिकली वोट देती थी ना हमको, हम कोई अपने से तो नहीं जीतते थे। 2014 में पब्लिक ने कहा कि नहीं साहब, हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, 11 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, 16 करोड़ ने इन्हें वोट दिया, ये लोग जीत गए अपनी, अच्छी बात है। आज की डेट में जीतने के बाद का धर्म क्या है पार्टियों का? क्या सिर्फ चुनाव लड़ते रहना धर्म है, काम भी करना धर्म है? आज की हार्ड कोर केवल इस इलेक्शन से लेकर के बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल या सिद्धांत की बात, तो क्या मुझे यह समझना चाहिए कि आपने त्याग कर दिया कि हाँ भाई चलिए बीजेपी या सपा बसपा जीत ले, हम तो केवल लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेंगे, ऐसा मान लिया जाए कि आप मैदान से हट गए, आपने दान कर दिया या त्याग कर दिया वो सीट? हम सर थोड़ा डायनामिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पार्टी या कैंडिडेट का मुख्य बिंदु क्या है, वो ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जिसके बेसिस पे ये बोला जाए कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और जीत सकते हैं? ठीक है जी, हमारा ये कॉन्सेप्ट सर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप नेता हैं पार्टी के, तो आप ही सबसे बढ़िया बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है।
सुनिए जी, ऐसा है मिश्रा जी, राजनीति जो होती है समय के अनुसार होती है और राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता। आज की डेट में ये बात अपने आप में सच है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत ताकत के रूप में है और सांप्रदायिक ताकत के रूप में है, और उस सांप्रदायिक ताकत को अगर हमें परास्त करना है तो निश्चित तौर पर राजनीति में, चाहे हमें किसी का समर्थन लेना हो या किसी को देना हो, हम वो काम करेंगे। और वो काम हम यहाँ पर बैठ करके बताएंगे नहीं, जब करेंगे तब आपको बताएंगे। इस वक्त इस चुनाव को लेकर के हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, वो पांच बिंदु आपने पूछे तो मैं बता देता हूं, वो पांच बिंदु भी बता देता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन अगर कोई लेकर के आया तो कांग्रेस लेकर के आई, राइट टू एजुकेशन कोई लेकर के आया तो कांग्रेस लेकर के आई, राइट टू फूड अगर कोई लेकर के आया तो कांग्रेस लेकर के आई, मनरेगा अगर कोई लेकर के आया तो कांग्रेस लेकर के आई, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की कर्ज माफी लेकर के कोई आया तो कांग्रेस लेकर के आई। ये बात अपने आप में सच है कि हम नहीं लेकर के आ पाए तो हम धर्म की राजनीति नहीं लेकर पाए और जाति की राजनीति नहीं लेकर के आ पाए, और धर्म और जाति की राजनीति को जो लोग आगे बढ़ाए वो आज की डेट में देश में सत्ता चला रहे हैं। गुजरात से लेकर के और हरियाणा तक दलितों की हत्याएं उन्हीं के शासन में हो रही हैं। इसका जवाब अगर मिश्रा जी मांगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उपचुनाव में गठबंधन नहीं हो सकते, किसी भी पार्टी ने किसी से गठबंधन, एक सीट के लिए कौन, हर पार्टी ने समाजवादी पार्टी को भी। अब दो मिनट सुन लीजिए आप प्लीज, ठीक है? ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। अरे हड़काइए नहीं भाई, दो दो बातें, मैं इतना बड़ा नहीं, मैं नहीं, सर, हम हड़कने वाले नहीं है, आप कंटिन्यू करिए सर। मैं बात अगर मेरा बड़ी मुश्किल से इंजन ऑन होता है, आप उसको ऑफ कर देते हैं, दोबारा ऑन करने में फिर उतना ही समय लगता है। अच्छा चलिए सर, चलिए आप बताइए। ठीक है जी जी, तो यहां पर आज की डेट में किसी राजनीतिक दल ने किसी का गठबंधन नहीं किया। दो उपचुनाव थे, दोनों उपचुनाव में बसपा ने सपा को समर्थन दिया है। हम अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, और हम क्षेत्र की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नाम की सांप्रदायिक पार्टी कितनी ताकतवर हो चुकी है और किस तरीके से संप्रदाय के नाम पर आपसे विकास को छीन रही है। अब जनता को तय करना है कि किसको जिताएगी और किसको हराएगी। हम अपनी बात जनता के बीच में बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, चाहे वो सुरेता करीम के रूप में हो और चाहे वो मनीष मिश्रा के रूप में हो। तीन तीन दिन राजबब्बर जी वहां पर भी रहे और तीन दिन राजबब्बर जी गोरखपुर में भी रहे, तो हम चुनाव को बड़ी निष्ठा से लड़ रहे हैं, जनता को तय करना है। हाँ, एक चीज जनता ने जरूर दिखा दी है कि जनता आज की डेट में सत्ताधारी दल के प्रभाव में नहीं आने वाली है और 14 तारीख को यह रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो है हेमंत जी, ये जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं और जैसा ए के मिश्रा ने पूछा था इनसे कि कांग्रेस के पास है क्या, आप क्या बताएंगे जाकर, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया, आज की जो स्थिति है समाजवादी पार्टी के आगे बसपा ने जो है अपना कैंडिडेट वैसे ही नहीं उतारा है, तो ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है कि आपको 2019 के लिए अपने आप को जवाब देना है, अपने फॉलोअर्स को जवाब देना है, आपके चाहने वालों को जवाब देना है, इसलिए सिर्फ ये औपचारिकता मात्र भर है या ये वाकई में टक्कर देने वाली बात है, क्या स्थिति? मेरी एक क्यूरी है आप सब लोगों से, जितने भी हमारे मित्र बैठे हैं और तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं कई बार ये सोचता हूं, देखिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूत पार्टी है, बसपा भी है, विकास सब ने किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, और कांग्रेस तो सबसे अनुभवी पार्टी रही है। और मैं चलिए एक मिनट के लिए ये भी फर्ज कर लूं आप लोगों के हिसाब से कि चलिए बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, 2500 बुराइयां हैं, सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी क्यों चुनाव जीत जाती है, वोटर क्यों इनको वोट दे देते हैं, इसमें रीजन क्या है? कांग्रेस समझ नहीं पाती है बीजेपी की चालों को, रणनीतियों को, या दूसरी पार्टियां? आप लोगों की सर कमी कहां जा रही है कि सब लोग मिलकर के भी नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, सुरेंद्र जी बोलेंगे जी, चक्रव्यूह को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं सर? पहली चीज तो आलोक, ठीक ठीक है, ठीक ठीक मिश्रा जी, अब आपकी बात पूरी हो गई तो मैं बताऊं आपको जवाब देना चाह रहा हूं। बिल्कुल, एक तो
आलोक भाई ने फूलपुर गोरखपुर छोड़ करके सारा हिंदुस्तान बता दिया। थोड़ी देर बाद इनको और समय दे दीजिए तो ये श्रीलंका से लेकर के अर्जेंटीना तक बता देंगे, और समय दे देंगे तो ये मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, ठीक है ना। अरे मैं आपको अमेरिका नहीं ले गया हूं, मैं आपको दो चीजें बता दूं बड़ी स्पष्ट। मिश्रा जी ये भूल जाते हैं कि पंजाब का चुनाव कांग्रेस जीती, गोवा चुनाव कांग्रेस जीती, आसाम का क्या सॉरी बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी जीती और दिल्ली का चुनाव आप पार्टी जीती, वहां पर आपने कुछ नहीं किया। इन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जब आप देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रतिपक्ष की सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटों से ज्यादा हैं। लेकिन हल्ला कहां मचाया जाएगा? उत्तर प्रदेश का हल्ला कहां मचाया जाएगा? और राज्यों का, जहां ये लोग जीते हैं। हम मानते हैं लोकतंत्र में ये जीते हैं, तो लोकतंत्र में जहां जीते हैं वहां अच्छा काम करें, और जहां ये हारे हैं वहां ये लोकतंत्र का ही अपहरण कर लेते हैं जैसे बिहार में। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से उनके जो गलत मूल्य है लोकतांत्रिक, उसमें जो लोकतंत्र को अपहरण करने के मूल्य भाई, उनके बारे में पूछ करके मिश्रा जी जो है सिर्फ कांग्रेस से पूछेंगे। सर मेरा अगला क्वेश्चन भाजपा से ही होगा। आप पहले एक तरफ बता लें और मैं दूसरी बात बता दूं आपसे कि आज चुनाव जो है फूलपुर और इलाहाबाद का है, तो बेहतर हो आलोक अवस्थी पिछले 11 महीनों में यह बता दें कि क्या गोरखपुर का खाद कारखाना चालू हो गया? अरे बंद तो आपने करवा दिया, आपने चालू कर दिया है, क्या हो जाएगा चालू? क्या गोरखपुर में बच्चे पढ़ने बंद हो गए? क्या गोरखपुर में एम्स बन गया? इन प्रश्नों का जवाब आलोक जी नहीं देंगे। अर्जेंटीना और ब्राजील आपकी सरकार थी, पिछली सरकार आपके समर्थन से चल रही थी और वो सरकार के द्वारा आप समर्थन से दिल्ली में चल रहे 10 साल आपने राज किया है। भाई कब आपने दिया बताइए? आपके स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद। ठीक है सर, चलिए समय समाप्ति की ओर है। आप कीजिए सुरेंद्र जी, आलोक जी, स्टेट का इशू है, सेंट्रल का इशू नहीं है, पैसा नहीं देंगे। जाऊंगा, समय समाप्ति की ओर है हमारा। ठीक है सर, अभी गोरखपुर का नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी से कुछ ही समय का और बाकी बचा है अंतराल, इसके बाद में साफ हो जाएगा। जनता की जो इच्छा है वो बंद हो जाएगी, ईवीएम में कैद होगी।